डॉक्टर, ये आदमी अभी भी जिंदा जिंदा है। बॉय, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो इसे, ये अभी भी जिंदा है, जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी संभाल के, संभाल के ले चलो, जल्दी ले चलो जल्दी। ओह माय गॉड, सुनो, ए सुनो, इसे अकेला मत छोड़ना, हॉस्पिटल में इसके साथ रहना, इसकी कार में गन मिली है, ये क्रिमिनल हो सकता है। जी सर। क्या हाल है इसका? काफी खराब है। बचेगा? लगता तो ऐसे ही है, ब्रेन में क्लॉट है, 4-5 घंटे ऐसे ही निकल गए तो बच सकता है। उसका इसका सारा सामान कस्टडी में लिया है ना? यस सर। गन? जी सर, काफी खून लगा हुआ है। आखिर ये आदमी है कौन? और इसके पास ये गन आई कहां से? सर, हो सकता है ये कोई आतंकवादी हो या फिर कोई गैंगस्टर। हाँ, हो सकता है। मुझे ऑपरेशन करके इसके सिर में से ब्लड क्लॉट निकालना पड़ेगा। इसका कोई रिश्तेदार यहाँ आ जाता तो अच्छा होता। पहले पता तो चले कि आदमी है कौन, फिर आएगा ना कोई रिश्तेदार। सर, एक वॉलेट है, मगर इसमें सिर्फ 20 रुपए का नोट है। और कुछ नहीं? नहीं सर, रिस्ट वॉच है पर इससे कुछ पता नहीं चल रहा। एक डायरी है, मगर बारिश के पानी से सब कुछ धुल गया है। और ये दूसरा बैग खोल के नहीं देखा? यस सर। इतना सारा पैसा? यहाँ पे तो कोई पेपर्स वगैरह नहीं है सर। गाड़ी के नंबर से पता करो आरटीओ से, कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कार का मालिक कौन है। जी सर। सर, मोबाइल। फोन बुक तो खाली है, कुछ भी नहीं। सर, ये कोई पहुंचा हुआ आदमी होगा। कॉल रजिस्टर भी खाली है। किसे फोन किया, किसका फोन आया, सब मिटा दिया। मैसेज में, मैसेज बॉक्स में एक मैसेज है। क्या है सर? किल टुमारो एट 12 PM, 12 बजे मार दो। 12 बजे मार दो, मतलब सर ये कोई मर्डरर ही होगा। हाँ, ये कोई खूनी। आदमी एकदम सीधा साधा है, कपड़े भी सादे पहने हुए हैं और कार में 1 करोड़ रुपए लेके घूम रहा है। सर, शायद इसने कोई बैंक लूटा हो, लूट का माल लेके भाग रहा था और रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो। मगर बैंक लूटने की कोई खबर तो आई नहीं हमारे पास। सर, मैं बताता हूँ ये कौन है। ये एक सुपारी किलर है सर, और इसने किसी को 12 बजे मारने की सुपारी ली है। मगर सर, अब तो एक्सीडेंट हो गया, अब ये किसी का खून नहीं कर सकता। 1 करोड़ की सुपारी है, मतलब ये आदमी अकेला नहीं होगा, इसके साथ और भी लोग मिले हुए होंगे। इसका एक्सीडेंट हो गया फिर भी खतरा है, हमें पता लगाना ही होगा कि किसका खून होने वाला है। सर, जब ये आदमी होश में आएगा तो ही बोलेगा कि किसका खून होने वाला है।
विशाल, विशाल क्या हो गया तुम्हें? विशाल डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जरूर ठीक हो जाएंगे, बस आज की रात निकल जाए। नहीं तो वैसी कोई बात नहीं है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रेन में क्लॉट है उसे निकालना पड़ेगा। ब्रेन का ऑपरेशन? जी। ऑपरेशन बहुत रिस्की है क्या डॉक्टर? नहीं नहीं, ये देखिए क्या है। Excuse me, ma'am. हमें आपसे आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी है। आप कौन है? हम CID से हैं, बात करना जरूरी है, प्लीज आइए। प्लीज आइए। यह है ACP प्रद्युम्न जी, कहिए क्या बात है? आपको पता कैसे चला कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है? जी, किसी ने विशाल को यहाँ देखा और मुझे फोन करके बताया। आपने ध्यान से देखा है ना कि ये आपके हस्बैंड ही है? एक्सक्यूज मी, ये कैसा सवाल है? आप CID से हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से मेरी बेइज्जती करें। मैं अपने पति को नहीं पहचानूंगी क्या? हमें कुछ ऐसी चीजें मिली है इनकी कार में से जिन्हें देख के लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, समझी? क्या क्रिमिनल? कौन सी चीजें मिली है आपको? 1 करोड़ रुपए मिले इनके पास, एक मोबाइल फोन मिला है, उसमें एक SMS है जिसपे लिखा है कि 12 बजे तक मार दो। इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि ये वाकई में आपके हस्बैंड हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो इनके साथ साथ आप भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले। ये देखिए, ये चीजें आपके पति की हैं? नहीं, ये विशाल की चीजें नहीं है। नहीं, पर ये सब चीजें हमें आपके पति की कार में से ही मिली है। देखिए, ये जो अंदर है ये मेरे पति है विशाल, लेकिन ये चीजें उनकी नहीं है। आपके पति जो कार चला रहे थे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला है कि उस कार का मालिक कोई रघु नाम का आदमी है और वो आदर्श नगर चाल में कहीं रहता है। आदर्श नगर चाल? ये क्या बकवास है? आपके पास क्या सबूत है? हाँ, सबूत? यहाँ पर एक दूसरी लेडी भी आई हुई है जो कह रही है कि उनकी सगाई हुई हुई है आपके पति के साथ। मेरे पति के साथ सगाई? एक्सीडेंट कैसे हो गया? कल तक तो ठीक थे। बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रघु की मंगेतर से बात करके देखते हैं। ये चंदा? यही है, अगले महीने इसकी शादी होने वाली थी रघु से। मैं रघु से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, आप बात कर सकती हैं, मगर रघु आपसे बात नहीं कर सकता। आइए। प्लीज मैडम, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर ठीक हो जाएंगे, हम उनका इलाज कर रहे हैं, बट प्लीज आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, ओके? रघु, ये कैसे? ये रघु नहीं है, ये मेरे पति है विशाल। ये कैसे हो सकता है? 1 मिनट मैडम, आप जरा सबर कीजिए। पहले इतना कंफ्यूजन है कि आदमी कौन है, अब ये कि ये पति किसका है। मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि ये मेरे पति है। मेरी इनसे शादी होने वाली है, तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? मेरे पति है विशाल, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अभिजीत, चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, एक ही आदमी रघु और विशाल कैसे हो सकते हैं? तो दोनों में से एक सच बोल रही है। और दोनों ही सच बोल रही है तो? रजनी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जरा प्लीज बाहर आइए। सर।
दाजी देखिए जरा, आप इस शर्ट को पहचानती हैं? ये शर्ट मैं रघु को खरीद के दी थी। कितना खून बहा इनका। ये कपड़े देख रही हैं आप, एक्सीडेंट के वक्त इन्होंने ये पहने, काफी मामूली कपड़े हैं। एक इंडस्ट्री से ऐसे कपड़े पहनेगा लगता नहीं। मैं आपसे क्या कहूं। अच्छा विशाल के कोई रिश्तेदार हैं? बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में इनकी फैमिली की मौत हो गई। मतलब आपके अलावा विशाल का और कोई भी नहीं? सर। सर ये डबल रोल है। मतलब सर राम और श्याम। अच्छा देख काम करो सर, तुम चंदा के घर जाओ और मैं और अभिजीत रजनी के घर जाके देखते हैं। पता तो चले कौन है रघु और कौन विशाल। ये देखिए शादी का कार्ड, रघु वेड्स चंदा। ये रघु काम क्या करता है? जी मैकेनिक है, एक ऑटो फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता है। मतलब रात को जाता है काम पे? जी हाँ, और सुबह वापस आते हैं। हर रोज? जी। रघु ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो औरत क्यों कह रही थी कि वो रघु नहीं विशाल है? अब ये तो पता नहीं क्यों कह रही थी। अच्छा एक बात बताइए, रघु का किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था, कोई पुलिस केस? जी नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। ये कमरा क्यों बंद है? दरवाजे में ताला लगा हुआ है, क्यों? जी रघु यहाँ किसी को आने नहीं देते हैं। जरा दरवाजा खोलेंगे आप? चाबी तो मेरे पास है नहीं। चाबी नहीं है, ताला तोड़ दे। ये तो विशाल ही है। जी हाँ, क्योंकि वो यही रहते हैं। वीवी सुबह 7 बजे उठता है, 8 बजे जॉगर्स पार्क जाता है, 9 बजे ब्रेकफास्ट, 10 बजे मीटिंग, 11 तारीख को एयरपोर्ट। ये वीवी है कौन? वीवी मतलब विशाल वर्धन। ये विशाल वर्धन क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या करने वाला है, उसकी एक एक बात यहाँ लिखी हुई है। सर, रघु के सेल पे जो मैसेज मिला था उस पर लिखा था 12 बजे मार दो, कहीं वो ये विशाल को मारने की बात तो नहीं कर रहा था? विशाल को ही मारने की बात होगी, नहीं तो कौन लिखेगा ये सब? एसपी साहब को फोन करते हैं। हाँ दया, क्या मिला? सर यहाँ हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि आईसीयू में जो आदमी है वो रघु है। सर व्हाट? तो दया हमें भी यहाँ कुछ सबूत बिखरे पड़े मिले जिससे लगता है कि वो आदमी विशाल वर्धन है। नहीं सर। तो फिर? सर लगता है विशाल वर्धन को किडनैप कर लिया गया। 12 बजे शायद उसका खून होने वाला है। सर हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। ये तुम्हें कैसे मालूम? सर यहाँ हमें विशाल वर्धन की पूरी जन्म कुंडली मिल गई है। सर ये रघु काफी दिनों से उन्हें मारने का प्लान बना रहा था। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। यस सर। हाँ अभिजीत, सारा केस पलट गया। दया कह रहा है कि शायद विशाल का रघु ने किडनैप करवाया है और उसका 1 घंटे में खून होने वाला है। क्या हुआ? देखिए रघु के घर से पता चला है कि आईसीयू वाला आदमी रघु ही है। हे भगवान, कैसे ये सब? देखिए मैडम, आपके पति की जान को खतरा है। वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में जो आदमी है वो रघु ही है और वो आपके पति जैसा दिखता है और उसने आपके पति को मारने का प्लान बनाया है।
शायद आपके पति को किडनैप कर लिया गया है। क्या? ऐसे एक नई मुसीबत? आपने विशाल को आखिरी बार कब देखा था? कल शाम 5 बजे के करीब। हाँ, 5 बजे वो घर से निकले थे। वो अकेले निकले थे या साथ में ड्राइवर था? कल ड्राइवर नहीं आया था, वो खुद ही ड्राइव करके गए थे। वो गए कहाँ थे? बांद्रा कोला कॉम्प्लेक्स में उनकी मीटिंग थी, लेकिन वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसका मतलब कल शाम 5 बजे से वो गायब है। आप हमें उनकी गाड़ी का डिटेल और नंबर दीजिए। हाँ, वो अपने करोला में गए थे। हाँ सर, नंबर ध्यान से सुनिए, MH02VN34। हाँ, वाइट रंग की कोरोला कार है, इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी ढूंढना है। हाँ, और जैसे ही पता चले फौरन CID में फोन कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। नाम है विशाल वर्धन, नंबर है 9181126866। इस नंबर पे जो भी फोन आए हैं और इस नंबर से जो भी फोन किए गए हैं, मुझे इन सब की डिटेल्स चाहिए। ओके, देखिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें अभी के अभी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे? अभी के अभी जी। सुनिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, प्लीज। हेलो, इसे भी प्रद्युमनिया। क्या? What? My God! कुछ गड़बड़ है सर? बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारे होते हुए एक और खून हो गया है और हम देखते रह गए। विशाल का खून हो गया सर? रजनी वर्धन का खून हो गया। क्या? हाँ। रजनी वर्धन का खून? उस मोबाइल फोन पर जो SMS आया था, उसमें मरने वाले का नाम था। पर सर, रघु के घर में जो चीजें मिली थी, उससे तो यही पता चला था कि विशाल वर्धन की जान को खतरा है। यह दुख इसी बात का है कि हमें ये पहले से दिखाई कैसे नहीं पड़ा कि खून रजनी वर्धन का होने वाला है। सर, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, हम तो निकले थे पति को बचाने, बेचारी पत्नी मारी गई। सर, हाँ, यहां से भागा है वो। तुम सब घर में ही थे तो घर के अंदर खून कैसे हो गया? साहब, ये घर में था और मैं बाहर गेट पर था। साहब, बाहर गेट पर? जी। फिर भी खूनी अंदर आ गया? हाँ साहब, मैं सच बोलता हूँ, गेट से कोई अंदर नहीं आया साहब। तो फिर खून किसने किया? बाहर से अंदर कोई नहीं आया तो क्या खूनी घर के अंदर ही था? हाँ, कुछ दिख रहा है क्या अभिजीत? सर, सिर्फ जाने के निशान है, आने का कोई भी निशान नहीं दिख रहा है। तुम क्या कर रहे थे? साहब, मुझे कुछ मत पूछिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो किचन में था। अचानक मेम साहब की आवाज़ आई तो मैं बाहर आया और देखा कि मेम साहब खून में लथपथ पड़ी हुई है। अभिजीत, मुझे लगता है जब पहली बार हम यहाँ आए थे उस समय भी खूनी घर के अंदर ही छुपा हुआ। जिस आदमी का खून होने वाला था वो तो गायब है, पर उसकी जगह पे उसके बेचारी बीवी का खून हो गया। सर, हाइट ये है कि जिसने सुपारी ली 1 करोड़ की, उसे मारने के लिए वो तो खुद ICU में पड़ा हुआ है। हाँ, और जब वो यहाँ पड़ा था तब वाइफ का खून हो गया था। इसका मतलब है खून इसने नहीं किया है। सर, इसके किसी साथी ने ये खून किया है, जिसे ये पता नहीं है कि उसका बॉस रघु का एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। मैं वाइफ को क्यों मारा? खून तो हस्बैंड का होने वाला था। क्योंकि सर, हस्बैंड ने कहा मारने को। हस्बैंड ने? जी सर। ये तुम्हें कैसे मालूम? इंट्यूशन सर, प्योर इंट्यूशन, अकल। देखो फ्रेडरिक्स, मैं आज तक हमेशा तुम्हारी अकल की दाद देते आ रहा हूं, लेकिन एक याद रखो, ये रघु खून करने वाला था हस्बैंड का, विशाल का। अरे सर,
वो सब ड्रामा है, ड्रामा। उसने रघु को कहा कि मैं गायब हो जाऊंगा, तू पीछे से मेरी वाइफ को मार देना, फिर मैं कोई कहानी वहानी बना के वापस आ जाऊंगा। अच्छा, तो अब हस्बैंड वापस आ जाएगा है? अकल के हिसाब से तो आ जाना चाहिए। और नहीं आया तो? तो हाँ तो कुछ नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा, 10-15 दिन मुंह नहीं खोलूंगा। बस खत्म, फिनिश है? तुम्हारे अकल का घोड़ा 10 कदम भाग के गिर गया। रेड्रिक्स, फिर केस कौन सॉल्व करेगा है? हमें किसी भी हालत में इस हस्बैंड को ढूंढना ही होगा। सर, अगर ये प्लान इस रघु और हस्बैंड ने मिलकर बनाया है तो इसे मालूम होगा कि हस्बैंड कहाँ है। मगर सर, ये तो बेहोश है। डॉक्टर, डॉक्टर। यस डॉक्टर, किसका कोई और इलाज होगा? मतलब आप इसे कोई ऐसा इंजेक्शन दें जिससे ये थोड़ी देर के लिए होश में आ जाए। मतलब आप लोगों के लिए मैं इसे इंजेक्शन दूं, और अगर ये ऊपर चले जाए तो मैं अंदर। नहीं नहीं, हम ऐसा थोड़ी ना होने देंगे। आप कुछ कीजिए ना। मैं इसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, इसे गुदगुदी करके देखें, शायद इसे होश आ जाए। अगली बार जब आप इस हॉस्पिटल में आएंगे तो शायद मैं आपको ना मिलूं। मतलब आप ये केस बीच में छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मैं साइनाइड खा रहा हूँ। अगर गुदगुदी करके किसी पेशेंट को होश पे लाया जा सकता है तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही क्या है। अरे आप तो डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। एसीपी प्रद्युमनिया कहाँ पे? Fantastic. बस ये निकले और ये पहुंचे। या फ्रेडरिक्स, डॉक्टर साहब से कहो साइनाइड खाने की जरूरत नहीं है। यस सर। डॉक्टर, क्या हुआ? क्या सर? अभिजीत, विशाल की गाड़ी मिल गई। दरवाजा तो खुला है। सर, स्पेक्स खून लगाओ इसे। कहीं ये विशाल के तो गॉगल नहीं? सर, उसके घर में जो फोटोग्राफ्स थे उनमें से शायद एक में पहना हुआ था। गाड़ी करीब 60-70 की स्पीड पे चल रही थी सर, टायर एकदम घिस गए हैं। जरा फुर्सत देना। जी सर। सर ये देखिए, टायर का रबर तक उखड़ गया सर। सर, टायर की चौड़ाई 5 इंचेस है और दोनों टायर के बीच की दूरी 3.5 फीट है सर। उसमें थोड़ा रबर मिला था। केमिकल टेस्ट करवाया? जी सर। सब पता चला है कि टायर काफी पुराना था। अच्छा, देख सर, टायर के निशान क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि ये टायर 7 साल पुराना है, फट के चिंदी चिंदी होने वाला है। 7 साल से टायर बदला नहीं गया सर। ये शायद किसी पुरानी टैक्सी का टायर है सर। टैक्सी का? तो इसका मतलब है विशाल के किडनैपिंग में रघु के साथ और लोग भी शामिल थे। हाँ सर, तभी तो रघु के अस्पताल में पड़े रहने के बावजूद भी रजनी का खून हो गया। हॉस्पिटल से फोन? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, हम लोग आधे घंटे में पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? दया, रघु को होश आ गया है, अब पता चलेगा असली बात क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बोलो। क्या
उषा, 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 ये क्या उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे हो? देखो अभी सीआईडी वाले आ जाएंगे है ना, तब तो सच बताना ही पड़ेगा ना। बोलो क्या नाम है? हाँ डॉक्टर साहब, रघु को होश आ गया है ना? हाँ होश तो आ गया है। क्या कह रहा है? अपना नाम उषा बता रहा है। क्या? हाँ उषा, उषा मतलब क्या? रघु जी, रघु जी, मैं यहाँ कैसे आया? आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप गाड़ी में बेहोश पड़े हुए मिले थे। जी हाँ, और कार में एक पिस्टल और 1 करोड़ रुपए भी मिले थे। अच्छा रघु जी, टाइम बहुत कम है, जरा जल्दी से बता दो कि विशाल वर्धन कहाँ है? हाँ मैं ही विशाल हूँ। क्या रघु, विशाल कहाँ है? कहाँ है विशाल? मैं ही विशाल हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ही विशाल हो, तो फिर रघु कहाँ है? हाँ कहाँ है रघु? रघु, हाँ रघु, अब जल्दी से बता दो ये विशाल कहाँ है? सर मैं ही विशाल हूँ। मेरी वाइफ कहाँ है? वाइफ है? आपकी वाइफ तो कहाँ है वो? वो तो वो उन्हें पता नहीं है अभी तक कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ अच्छा ये बताओ तुम रघु की गाड़ी में पहुंचे कैसे? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम रघु की गाड़ी में ही थे। मैं अपनी कार में जा रहा था। अजीब आदमी है, गाड़ी सामने आके रोकती। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए मुझसे? चल नीचे उधर गाड़ी से, चल चल चल। नहीं मैं नहीं उतरूंगा। क्या चाहिए क्या तुम्हें? ए चुपचाप बैठ, इतना हिल क्यों रहा है? चल बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अबे ये इसकी आखिरी इच्छा है। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम कब कह रहे हैं कि तूने कुछ किया है? तो फिर मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर सिर्फ ये है कि तेरी शक्ल मेरे बॉस जैसी है। मेरे जैसी? बिल्कुल तेरे जैसी है। आज के बाद तेरी जगह वो जाएगा, तेरी ऑफिस, तेरे घर, सब जगह आज के बाद वो विशाल है। नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी बीवी उसे पहचान लेगी। क्या हुआ? तेरी बीवी उसे पहचान लेगी? जिंदा रहेगी तो पहचानेगी ना। देखो तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसका इंतजाम भी हो गया, कल 12 बजे उसका खून हो जाएगा। देखो तुम उसे हाथ में नहीं लगाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? एक शक्ल के दो लोग एक जैसे कैसे हो सकते? हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद ही अपनी आंखों से देख। देख आदमी बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। उसने उन सब आदमियों को पैसे दिए।
और उन्हें भगा दिया। फिर मेरे कपड़े मांगे, उसने मेरे कपड़े पहन लिए और मैंने उसके। जब वो मेरे कपड़े पहन रहा था तो मुझे मौका मिला और मैंने उसके सर पर डंडा मारा और भाग गया वहां से। ये कौन से फिल्म की कहानी है, है? कहीं सुनी हुई लगती है ना? अरे झूठ बोल रहा है सर, सब झूठ है। ये रघु है और विशाल बनने का नाटक कर रहा है। ये सब एक प्लान है सर, सारा प्लान है जो ये पिछले 1.5 साल से बना रहा है वहां आदर्श नगर के चाल में। मैं विशाल ही, मैं एक्सीडेंट का प्लान कैसे बना सकता था? मैं तो मरते मरते बचा। हाँ ये बात तो है, फिर भी। अच्छा ठीक है, तुम रघु के साथ इतनी देर तक थे तो तुम्हें कुछ तो पता होगा, कोई अंदाजा कि रघु कहाँ जा सकता है? सर मुझे कैसे मालूम होगा, मैं तो यहाँ पे लेटा हुआ हूँ। वहां चाल में जाओ और वहां पे रघु जिस जिस आदमी से मिलता था, जहां जहां जाता था, वह सब जगह जाके पूछो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी रघु को हॉस्पिटल देखने आई रही थी। अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। क्यों, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, आईसीयू में जो आदमी है वो रघु नहीं है, वो विशाल है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी खुद कह रहा है कि वो विशाल है। मैं नहीं मानती, जरूर आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं उनसे खुद मिलना चाहूंगी। चंदा, चंदा संभालो अपने आप को, वो आदमी रघु नहीं है। रघु जहाँ काम करता है हमने वहाँ भी पूछा, पिछले 7 दिनों से रघु काम पे नहीं गया। रघु काम पर नहीं गए? रघु तो हर दिन काम पर जाते थे, चाहे वो दिवाली हो या ईद हो या क्रिसमस। पिछले कितने सालों से उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। हाँ पिछले महीने उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली थी। 3 दिन छुट्टी? किस वजह से ली थी छुट्टी? पता नहीं, वो तो घर पर ही बैठे थे। घर पर? अच्छा रघु का कोई दोस्त है यहाँ आसपास? हाँ वो नंदू से रोज मिलते थे। नंदू? कौन नंदू, कहाँ मिलेगा नंदू? वो नुक्कड़ पर एक दुकान है वहां पर। ये नंदू कौन? वो रहा साहब। ये? जी साहब। थैंक यू नंदू। क्या है? बैठो बैठो। तुम रघु को जानते हो ना? जी हाँ। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम साहब, पिछले 4-5 दिन से आया नहीं वो। यहाँ तो रोज आता था ना वो? हाँ साहब, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी आदतें बदल सी गई थी। वो किसी के चक्कर में पड़ गया साहब। किसके? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन कभी कभी कुछ खतरनाक दिखने वाला लोग उसको छोड़ने आता था गाड़ी से। कैसी गाड़ी में आते थे? ज्यादातर टैक्सी होता था साहब। टैक्सी? टैक्सी का नंबर याद है? नहीं साहब। उसका कोई रिश्तेदार वगैरह, माँ बाप, भाई बहन? नहीं साहब, अपने को कभी कुछ नहीं बताया। एक भी सुराग नहीं, एकदम गायब। सर एकदम पहुंचा हुआ क्रिमिनल है ये रघु। फ्रेडरिक्स, क्रिमिनल चाहे कितना भी पहुंचा हुआ हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ के जाता है, पर ये तो एकदम हवा में गायब हो गया। सर यही समझ में नहीं आ रहा, हम उसके दोस्तों से पड़ोसियों से मिले पर कोई नहीं जानता कि वो 1.5 साल पहले आया कहां से था, और किसी को ये नहीं मालूम कि उसका कोई रिश्तेदार, मामा, चाचा, भाई बहन कोई है भी कि नहीं। हर शाम 7 बजे वो काम पे जाता है और सुबह वापस आता है। 1.5 साल में सिर्फ 3 दिन छुट्टी ली उसने और 3 दिन घर पे बैठा रहा, और अब गायब हुआ है तो ऐसे जैसे गधे के सर से सिंह। फ्रेडरिक्स, क्या कर रहा होगा वो उन 3 दिनों में? सर शायद उसके पेट में दर्द होगा, उसके सर में दर्द होगा सर। यू आर इम्पॉसिबल फ्रेडरिक्स। मुस्कान, वो 3 दिन कौन से थे? सर 13, 14 और 15 सितंबर। तेरा 13, 14, 15 सितंबर का चिट्ठी लिखा और देखो क्या लिखा है विशाल के बारे में। उन 3 दिनों में विशाल क्या कर रहा था? पे ये लिखा है कि विशाल 3 दिन के लिए हांगकांग गया था।
हांगकांग गया था। हांगकांग गया था। हांगकांग गया था विशाल। 13, 14, 15 सितंबर 13, 14, 15 सितंबर को रघु अपने घर में बैठा था और 13, 14, 15 सितंबर यानी कि उन्हीं 3 दिनों में विशाल हांगकांग गया था। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है हेलो डॉक्टर। हेलो विशाल, कैसी तबीयत? डॉक्टर, हॉस्पिटल में रिश्तेदारों का आना मना है क्या? नहीं तो? तो फिर मेरी वाइफ को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया? बस वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही डॉक्टर? अब तो कोई बात ही नहीं रही। मतलब ये कि अगर वो तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, तुम तो उसके पास जा सकते हो। बिल्कुल। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। सच? हाँ, तुम एक घंटे में जा सकते हो यहाँ से। मैंने तुम्हारे सारे पेपर्स तैयार करने के लिए दे दिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तुम दोनों के यहाँ पर होते हुए भी घर के मालकिन का खून हो गया और तुम लोग देखते रहे? हमें कुछ पता ही नहीं चला साहब। क्या पता नहीं चला? हाँ? क्या कर रहे थे तुम लोग? और तुम तो घर में ही थे ना? मुझे तो शक है कि ये काम तुम दोनों ने मिलके करवाया। ऐसे मत बोलिए साहब। बात मत कीजिए साहब। पूछा अकेला छोड़ दो चाया से। कैसे हो विशाल सेठ? कौन? अच्छू। अच्छू? अच्छू कौन? मैं किसी अच्छू को नहीं जानता। मजाक कर रहे हो? अच्छू को मजाक अच्छा नहीं लगता। कौन हो तुम? क्या सेठ, मैंने आपके लिए इतना काम किया और अब आप मेरे को पहचानते भी नहीं? क्या किया तुमने मेरे लिए? हाँ, आपकी बीवी का खून। तुमने खून? मैं अभी वॉचमैन को बुलाता हूँ। पहले बीबी का खून कराया, अभी बोलता वॉचमैन को बुलाता हूं। वॉचमैन उस दिन भी था। क्या किया? कुछ नहीं किया। इसका मतलब वॉचमैन भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है? ओह, तो रघु ने वॉचमैन को भी खरीद लिया। ए, चल अभी पैसा दे। पैसा मुझसे क्यों मांग रहे हो? जाओ रघु से लो, उसे ने खून किया। पैसा देता है कि नहीं है? वॉचमैन? वॉचमैन को बुलाता है। वॉचमैन? अरे वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन! क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब? अपने अंदर दिखता नहीं क्या? उस आदमी को देखो, पकड़ो उसे, खूनी है वो। कहाँ है साहब? ये कौन है साहब? हमें तो कुछ दिख नहीं रहा साहब। आओ चलो। मैं बोला था ना, वॉचमैन कुछ नहीं करेगा। चल अभी पैसा निकाल। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। देता हूं। देता है? कितने की बात हुई थी याद है? हाँ। कितने की? 5 लाख।
5 लाख ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। वाह, बेचारी रजनी की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है, जिसकी करोड़ों की जायदाद मिलने वाली थी उसे सिर्फ 5 लाख रुपए में मरवा दिया है। और उसे मारने का क्या प्लान बनाया था? रघु बनकर दूसरी शादी करने वाला था तो उसका क्या होगा? चंदा का? हाँ? अब बता, असलियत जो कहाँ है? उसको भी फांसी होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.